बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट जर्दे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपको कद्दू का जर्दा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत जल्दी बन रहा है और बहुत मज़े का होता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए चलते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम कद्दू का जर्दा बना रहे हैं। मैंने आधा किलो कद्दू लिया और इसको कद्दूकश कर लिया है। हमें थोड़ी सी किशमिश चाहिए, थोड़ा सा नारियल बारीक कटा हुआ, गार्निशिंग के लिए हमें बारीक कटा हुआ बादाम चाहिए, और 3 से 4 हमें सरस इलायची चाहिए, और 2 बड़े चम्मच हमें घी की चाहिए, 1 कप हमें चीनी के चाहिए। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप हमें चीनी का चाहिए, और चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये हमें 3 फूड कलर चाहिए, मैंने रेड ग्रीन और ये ऑरेंज लिया है, आप जो भी कलर पसंद करें वो आप ले सकते हैं। एक कद्दू को हम पानी में डाल के इसको एक बॉयल ले लेंगे। हमने इसको ज्यादा बॉयल नहीं करना, बस जब एक ही बॉयल आए तो आप इसको उतार के आप छान लें। मैंने कद्दू को बॉयल करके इसको मैंने छान लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। ये देसी के अंदर मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी। मैंने देखिए मैं घी इसके लिए मैं 2 से 3 इलायचियाँ डालूंगी। इसको हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। एक कद्दू डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैं ये चीनी भी डाल दूंगी और इसको मिक्स करके हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। तो हम मिक्स कर लेंगे चीनी को और हम ढक के इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारे कद्दू हैं वो गल जाए, चीनी है वो भी हमारी घुल जाए। इसके कद्दू के अंदर से हमारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये किशमिश और ये खोपड़ जो है वो डाल दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम एक एक पिंच ये जो है तीनों साइडों पे कलर डाल देंगे। ये ग्रीन कलर हम इस साइड पे डाल देंगे और ये येलो कलर हम इस साइड पे डाल के इसको दम दे देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे जर्दे को दम आ गया है। चूल्हा नीचे से बंद कर दिया। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ये कद्दू का जर्दा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।